हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अपने एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में अपने फाइल या अपने डॉक्यूमेंट को कैसे हम भेजते हैं। यानी इस फोल्डर से भेजूंगा इस फोल्डर में तो हमारा इसी फोल्डर में रहेगा, ना कि यहाँ रहेगा। यानी कि जैसे यहाँ पर आपको ओपन कर रहा हूँ, ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमारा डॉक्यूमेंट तैयार है। अब इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर देख सकते हैं ये खाली है, एम्प्टी, यहाँ पर कोई भी नहीं है कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर उठा के डालने वाले हैं। लेकिन कॉपी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से फाइल हमारा यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस फोल्डर में जो भी डॉक्यूमेंट है हमारा, हम जब यहाँ पेस्ट करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ हम लाते हैं, तो यहाँ ना रहे। यानी हम जिस जगह पर पेस्ट करेंगे वहीं रहे, बाकी यहाँ से हट जाए। तो हमें सिंपली करना क्या है, जैसे कि हमने ये दोनों फोल्डर बनाया है, तो इस फोल्डर में हमारा ये फाइल है। अब हमें इस फाइल को इस फोल्डर में लाना है, यहाँ पर जहाँ खाली है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, वो भी डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद में इसे ओपन कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इस पर माउस से अपना एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कट करेंगे। कट करने का मतलब ये है कि यहाँ से हमने जो कट कर दिया, कट करने के बाद में अब हमें यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आना है और अपने माउस से हमें लेफ्ट डबल क्लिक करना है। और यहाँ पर आकर हमें फिर से एक बार राइट क्लिक करना है माउस का, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में ये हमारा आ चुका है उस फोल्डर से। तो अब यहाँ पर हम इसे कट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट नहीं रहा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, डबल क्लिक करने के बाद में हमारा ये जो हमने फाइल क्रिएट किया था, जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था, वो हमारा यहाँ आ चुका है। यानी किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ को आप कट करते हो, तो एक जगह से वो जिस जगह पर ले जाकर उसे छोड़ते हैं वहीं पर रहेगा, दूसरी जगह पर नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट को या फाइल को शेयर कर पाते हैं। और इसी तरह से हम शेयर करते हैं अपने फाइल या डॉक्यूमेंट को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।